जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें हर एक को अब तक संभाला, हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आज की आराधना में आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे, आमेन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 15 पद में लिखता है, साम चैप्टर 31:15 में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। हालेलुया। हम और आपका जो दिन है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के मुट्ठी में है। हम और आपका जीवन मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के हाथ में है। हमारी आयु जब तक परमेश्वर इस दुनिया में रखा है, परमेश्वर के हाथ में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश को चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। परमेश्वर के हाथों में हमारा आपका जो दिन है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अपने मुंह का प्रकाश मेरे जीवन में चमका दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे आशीषित कर दे, आमेन। हमें प्रार्थना करना है, हमें धन्यवाद करना है मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर हमारे को बहुत तहत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया, वो सामर्थी परमेश्वर है। आइए इस घड़ी हम थोड़ी देर अपने आंखों को हम बंद करेंगे और आइए आज की आराधना को जब हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद करे परमेश्वर का, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ राजा प्यारे परमेश्वर तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तेरी तारीफ हो मेरे खुदा प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 हालेलुया। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी स्तुति प्रशंसा महिमा करते मेरे खुदा प्रभु। तुम महान परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर पिता। इस घड़ी हमारे कोई तेरे चरणों में आते, तेरी आराधना, तेरी बड़ाई करते, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 हालेलुया। हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे को जीवित रखने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, 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 ग्लोरी, 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा, ग्लोरी टू गॉड। हर एक व्यक्ति धन्यवाद करे परमेश्वर का आज के सुंदर समय में, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते, हम तेरी स्तुति करते मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और जब इस गीत को हम गाते, आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा, हालेलुया, जब इस गीत को गाते आइए बड़ी उदार, बड़ी आदर के साथ में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते गाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। निवासी है तू पवित्र आत्मा, मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु, आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा, मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, तू हमारी आराधना में निवास करता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस आराधना में प्रभु अपनी उपस्थिति को दे मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारे एक के जीवन में अपनी उपस्थिति को दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम तेरी बढ़ाई तेरी महिमा करने वाले बन जाए, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा एनॉइंटिंग को दे मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आगे के भागों को भी प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इसी प्रकार अपनी उपस्थिति को भी दे प्रभु, ताकि हम तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ने पाए खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। सो जरूर आप इस आराधना को अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे को शेयर करें, ताकि इस आराधना में और भी लोग जुड़कर प्रभु की महिमा करने पाए। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन यसाया उसका 53 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, इसाया चैप्टर 53 वर्स 6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आज हम और आप अपने अपने लिए अपना अपना मार्ग को हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं। बाइबल बताते उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन आज हम बहुत सारा कार्य क्या करते हैं, हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी? नहीं। परमेश्वर की आशीष मेरे प्रिय भाई बहन नहीं आ सकती। यहां पर लिखा, हम जो गलती किए परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में क्या कर दिया, लाद दिया। समझ सकते हैं तब
हमारा परमेश्वर हमारा आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा बोझ को ले लिया वो हमसे कितना प्रेम करता है। आमेन। सो आइए गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया, आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाए और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने या है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने या है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि धूप है गवाही तेरे जी उठने के। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि धूप है गवाही तेरे जी उठने के। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में हमारा आपका परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी, वो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। और इस जीवन के अंदर में परमेश्वर ने एक विशेष मकसद को हमारे एक के जीवन में दिया है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य को दिया है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुनिया के अंदर में उस उद्देश्य को हम पूरी करें। परमेश्वर, जब मैं भजन संहिता उसका एक अध्याय उसका पहला पद से जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें मुझको यहां पर दिखाई पड़ी।
भजन संहिता उसका एक अध्याय साम चैप्टर 1 वर्स 1 टू ऑनवर्ड लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को धन्य कह रहा है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पाप करते, जो बुराई करते, उसकी बातों को नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता। लेकिन लिखा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये है मसीह भाई बहनों का जीवन। जब हम मसीह में होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको इस बात को ध्यान देना है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर कभी नहीं चलना है। दूसरी बात, हम और आपको यह ध्यान देना है कि हमें पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है। तीसरी बात, हमें ठट्ठा करने वालों की मंडली में जहां एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है, एक दूसरे का मजाक बनाया जाता है, ऐसी मंडली में हमें बैठने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम इन तीन चीजों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, हम सच्चे मसीही नहीं कहला सकते हैं। अगर हम और आपको सच्चे मसीह कहलाना है मेरे प्रिय भाई बहन, एक सच्चे मसीह बनना है, तो पहली बात, दुष्टों की युक्ति से बचे, पापियों के मार्ग से बचे, ठट्ठा करने वालों की मंडली से बच जाए, और उसके बाद में प्रभु के मार्ग में चलिए। उसके बाद देखिए कैसे एनॉइंटिंग हमारे आपके जीवन में आती है, कैसे परमेश्वर का ब्लेसिंग हम और आपके जीवन में आता है। जब हम दूसरा पद को पढ़ते हैं, पहला पद में इस बात को हमें समझाया कि मसीही जीवन हमको जीने के लिए, मसीही बनने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना है। और भी कई बातें हैं जो लिखता है दूसरा पद में, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक सच्चा मसीही लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इस वचन को सुनने से, इस वचन को पढ़ने से, इस वचन के अनुसार चलने से वह खुश रहता है। कई बार बाइबल पढ़ते हमको बाइबल में इंटरेस्ट नहीं लगता है, हम वचन को सुनते हैं वचन में इंटरेस्ट नहीं लगता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमको बोरिंग लगने लगता है, अरे क्या बाइबल पढ़ेंगे, क्या वचन को सुनेंगे, हम खुश नहीं रहते हैं। हमारे चेहरे में वचन को सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, वचन के अनुसार चलने के द्वारा हमारे अंदर में खुशी नहीं झलकती है। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, अभी तक हम सच्चे मसीही नहीं बने हैं। सच्चा मसीही परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित हो जाता है। हालेलुया। ओ सच्चा मसीह परमेश्वर के वचन को चलने के द्वारा, उसमें चलने के द्वारा वो आनंदित रहता है। इसलिए सच्चे मसीह बन जाए, ओ उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हम दुनिया भर की बातों को बहुत जल्दी सुनते हैं, यहां पर ये हुआ, वहां पर झगड़ा हुआ, वहां पर वो झूठ बोला, वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, वहां पर अत्याचार हुआ, बहुत सारी चीजों को हम सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान ही नहीं करते हैं। सुबह में उठना है, काम करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ड्यूटी जाना है, वापस आना है, काम करना है, सो जाना है, यही जीवन आज कई मसीही भाई बहनों का चल रहा है। कहीं पर भी ये समय कई लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि इस वचन पर हम ध्यान करें। एक सच्चा मसीह बनने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको वचन के लिए समय देना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए समय देना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए समय देना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर का एनॉइंटिंग को हम और आप अपने जीवन में देखेंगे, सामर्थ को देखेंगे। और जो सच्चे मसीह होते हैं, जो परमेश्वर को पुकारने वाले होते हैं, मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि उनका जीवन शांति से भरा होगा, उनका जीवन आनंदमय होगा। मैं कई लोगों को ऐसे देखा हूं जो लोग विश्वास करते, जो प्रभु में बढ़ते, दुख और तकलीफ बहुत सारी उनके जीवन में आती है, लेकिन वो आनंदित रहते हैं।
क्यों? क्योंकि ये वचन, ये व्यवस्था उनको आनंदित कर देता है। हालेलुया। हो सके आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां होगी मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारी दुख होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, कोई बात नहीं, आप अपने आप को प्रभु में बढ़ाते जाइए और उसके बाद में देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को आनंदमय बना देता है, कैसे आपके दुख और तकलीफ को परमेश्वर दूर कर सकता है। आप देखिए बाइबल बताती है इस संसार में हमें क्लेश होगा, इस संसार में हमें दुख होगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार चार उसका 16 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे विलाप करोगे परंतु संसार क्या करेगा, आनंद करेगा लिखा है। इस संसार के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन हम और आपको रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, वो दुख और तकलीफ में जीवन को बिताना होगा, लेकिन इस बात को याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपके आंखों से आंसू को हमारा परमेश्वर पोछेगा जब हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। वो हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। आमीन। हमारे आंसू को वो पोछेगा, हमारे दुख को वो दूर करेगा, हमारे घावों पर मरहम पट्टी को वो परमेश्वर बांधेगा अगर हम और आप सच्चे मसीही बनेंगे। आमीन। सच्चे मसीह बनने का बहुत सारा बेनिफिट है, सच्चे मसीह बनने का बेनिफिट ये, जब वचन को आप पढ़िएगा बहुत सारी आशीष आपको दिखाई देगी कि एक सच्चे मसीह के जीवन में कैसे परमेश्वर का एनॉइंटिंग आता है, कैसे परमेश्वर का सामर्थ आता है। और सच्चे मसीह कैसे होते हैं मालूम है, लिखा है वह उस वृक्ष के समान होते हैं, भजन संहिता 1:3 पद में वह उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक पेड़ को क्या चाहिए, एक पेड़ को अच्छा फल देने के लिए, अच्छी रीति से बढ़ने के लिए पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, उनको बस ये सारी चीजें चाहिए। हम और आपको भी परमेश्वर ये सारी चीजें देगा। आमीन। हम और आपका जो नीड है, हम और आपका जो चाहत है मेरे प्रिय बाइबल, लालसा है, जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। अगर आप सच्चे मसीह बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ऐसे जगह में रखेगा मेरे प्रिय भाई बहन जहां पर से आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, मतलब आप कभी मूर्छित नहीं होंगे, आप कभी, आपको आंसू भले आपके जीवन में हो सके आ सकता है, लेकिन उस आंसू को प्रभु यीशु मसीह पहुंच देगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो हमको कभी त्यागेगा नहीं, वो हमको ऐसे व्यर्थ नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन वो परमेश्वर जो है हम और आपको एक नया प्लेटफॉर्म देगा जहां से हम आगे और हम बढ़ सकते हैं। हालेलुया। लिखा जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। एक सच्चे मसीह का हर काम क्या होगा, सफल होगा। जब आप प्रभु में बने रहिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, आप याद रखिए आपका एक एक काम सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हो सके आज तक आप निराश हैं, हो सके आज तक आप जिस काम में अपना हाथ लगाते हो असफल हो जा रहा है, लेकिन याद रखिए प्रभु में जब आप मजबूत हो जाइएगा, एक सच्चा मसीह बन जाइएगा, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहना शुरू हो जाइएगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करिएगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपका हर एक काम सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 पद में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे तो याद रखिए हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। अपने काम को सफल बनाने के लिए एक सच्चा मसीह बनना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से यह चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा हर काम को सफल करे, मेरे दुख और तकलीफ को दूर करे, हमारे घाव पर मरहम पट्टी बांधे, तो हमें सच्चा मसीही बनना होगा, मसीही भक्त बनना होगा। जब हम मसीही भक्त बन जाएंगे हमारा हर काम सफल होना शुरू हो जाएगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि छठवां पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग को जानता है। जो लोग सच्चे मसीह है, जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को मालूम है, उस व्यक्ति को, उस जन को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपके रास्ते को जानता। हो सके हम सोचते होंगे मेरा कोई लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरा क्या होगा, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन कहां जाऊंगा मुझको मालूम नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप एक सच्चे मसीह बन जाइएगा, परमेश्वर आपके लिए द्वार के ऊपर में द्वार खोलेगा, एक एक मार्ग बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुलेंगे और आप आराम से प्रभु के मार्ग में चलने लगेंगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। हम और आपको इस दुनिया के अंदर में बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 31 पद में हम जानते हैं, जॉन चैप्टर 9 वर्स 31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। हम और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और आपको परमेश्वर का क्या बनना है, भक्त बनना है। हालेलुया। हम और आपको परमेश्वर का भक्त बनना है, एक सच्चे मसीह बनना है, और दूसरी बात उसकी इच्छा पर चलना है। सच्चा मसीह बनने का सबसे बड़ा राज क्या है, उसकी इच्छा पर चलना है, इस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, इस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यही हम और आपको एक सच्चा मसीह बना देगा। और सच्चे मसीह के जीवन में परमेश्वर का आशीष आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आएगा, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हमारे आपके जीवन में उतरेगा मेरे प्रिय भाई बहन, और हम आनंदित हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। एक सच्चा मसीही का लक्ष्य क्या होता है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, यहां पर लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये है मसीह जीवन, एक सच्चे मसीह का राज, कि वो हर प्रकार के दुख जो उनके जीवन में आता उनसे वो डरता नहीं है। शैतान हो सके बंधक बनाएगा, शैतान क्लेश को देगा, लेकिन सच्चा मसीही इन क्लेश से, इस दुख से डरता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, मत डरिए, मत घबराइए, वो परमेश्वर वो सारे दुख को दूर करेगा। लिखा प्राण देने तक विश्वासी बना रहा, प्राण देने तक विश्वासी बना रहा। एक सच्चा मसीह जो है वो प्राण देने तक विश्वासी रहता है, जब तक उसके शरीर में जान रहती है वो तब तक उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता रहता है, करता रहता है। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं, क्या आप अपने प्राण देने तक विश्वासी बने रहना चाहते हैं? और अगर आप ऐसा हैं और ऐसा चाहते हैं तो इस बात को याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने जा रहा है, लेकर जाने जा रहा है। आप अद्भुत ऊंचाइयों पर होंगे। जब मैं सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में मैं देख रहा था कि कैसे ये लोग आगे बढ़े, कैसे इनका विश्वास आगे बढ़ा, मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम दानियल नबी की किताब पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय से, यहाँ पर 3 जवान व्यक्ति है, सद्रक मेशक अबेदनगो। और ये सद्रक मेशक अबेदनगो कैसे थे, ये तीनों जवान परमेश्वर पर भरोसा रखते थे
और इन्होंने अपनी अपनी बातों को दिखाया कि वो प्राण देने तक वो विश्वासी बने रहे। एक सच्चे मसीह का झलक इन तीन जवान के अंदर में दिखाई देता है, सदरक, मेशक, अबेदनगो। आइए हम उनकी कुछ बातों को हम देखेंगे क्या हुआ था। हाँ, दानियल की किताब उसका 3 अध्याय, दानियल चैप्टर 3 वर्स 1, यहाँ पर लिखा है, नबुकदनेज़र राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उनको बेबीलोन के प्रांत के द्वार के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबुकदनेज़र राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नर, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। और इसी प्रकार से राजा ने एक सोने का मूरत को बनाया जो काफी बड़ा था। और अपने राज्य में 4th पद में लिखा, वो ढिंढोरा पिटवाता। क्या लिखा है 4th पद में लिखा है, तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबुकदनेज़र राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। यहां पर नबुकदनेज़र राजा ने अपने राज्य में वो क्या किया, सोने का विशाल मूरत को बनाया और ये प्रचार करवाया कि जब भी नरसिंगे, बांसुली या किसी प्रकार का वाद्य यंत्रों का आवाज को जब तुम सुनोगे, तुमको क्या करना है, सिर झुका देना, तुमको दंडवत करना उस मूरत को। और अगर कोई दंडवत नहीं करेगा तो याद रखो उसको राजा धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल देगा। और ऐसे समय में ये तीन जवान भी उसी राज्य में थे। और क्या हुआ, एक समय ऐसा हुआ कि 8 पद में लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबुकदनेज़र राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुने वह गिरकर उस सोने के मूरत को दंडवत करे और जो कोई दंडवत ना करे वो धधकते हुए आग के भट्ठे में के बीच में डाल दिया जाए। 12 पद में कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं राजा के पास में, लिखा है, देख सदरक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। राजा के पास में कुछ लोगों ने लिखा है कि सदरक, मेशक, अबेदनगो की शिकायत की कि राजा जब भी बाजा बजता है ये लोग कभी भी तेरे देवता को, तेरे सोने के मूरत को दंडवत नहीं करते हैं। तूने तो आज्ञा दिया कि ऐसे लोगों को आग के भट्टे में डाल दिया जाए, तो सदरक, मेशक, अबेदनगो को भी डाल दिए। इस प्रकार का उनको ये कहा गया। लेकिन जब हम 13 पद में कहते तो राजा इतना गुस्सा हुआ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बात को नहीं मान रहा। लिखा वो, तब नबुकदनेज़र ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। राजा, आगे आप धीरे पूरा पढ़ लीजिएगा, राजा उनको मौका दिया, उनको बोला और एक बार तुमको हम मौका देते हैं, अभी हम बांसुली, बाजे, ये सारी चीजों को मैं बजवाता हूं, तुम दंडवत करो। और जब राजा बजवाया, बाइबल बताती है सदरक, मेशक, अबेदनगो दंडवत नहीं किए। इस दुनिया के अंदर में कई बार ऐसा समय आएगा जब हमको मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए प्राण देने तक विश्वासी बने रहिए। सदरक, मेशक, अबेदनगो राजा की खड़ी कराई गई मूर्ति के सामने नहीं झुक रहे हैं। और उन्होंने राजा को कहा, 16 पद में, सदरक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेज़र, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता।
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए आग के भट्ठे में से निकाल सकता है, वरन हे राजा तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। यही विश्वास को आज परमेश्वर हम और आपके जीवन में भी चाह रहा है। हालेलुया हालेलुया। यही विश्वास को मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर हमारा आपके जीवन में चाह रहा है। सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा, हम तेरे आग से नहीं डरते हैं, हम तेरे आग से नहीं डरते हैं। आमीन। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, इस आग को 7 गुना और धधका दो, और 7 गुना इसका पावर को बढ़ा दो, और इस तीनों जवानों को उसके अंदर में डाल दो, क्योंकि इसने मेरी मूर्ति का अपमान किया है, इन्होंने मेरी मूर्ति को दंडवत नहीं किया है। राजा इतने गुस्से से 7 गुना आग को धधकवाया और क्या किया, उन तीनों पुरुष को, सदरक मेशक अबेदनगो को, विश्वासी बने रहने के कारण से, एक सच्चे मसीह बनने के कारण से, उनको उस आग के भट्ठे में डाल दिया गया। क्या हुआ होगा मेरे प्रिय भाई बहन, 7 गुना पावर बढ़ चुका है उस आग का। जैसे वो डाला गया होगा तुरंत उसका चूर चूर ये लोग हो गए होंगे, लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ मेरे प्रिय भाई बहन। हमने पढ़ा, वो हमारे आंखों से आंसू को पोछेगा, वो हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। तो यहां पर एक अद्भुत मिरेकल होता है। 24 पद में लिखा है, तब नबूकदनेज़र राजा अचंभित हुआ। किस बात से अचंभित हो रहा है, और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष ना डलवाए। और लिखा है, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है, हमने तो 3 पुरुष को डलवाए, सदरक मेशक अबेदनगो, वही कुछ 3 को डलवाए। तो राजा क्या बोलता है फिर 25 पद में, दानियल 3 अध्याय का 25 पद में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के खुले हुए में टहल रहे हैं। हालेलुया, टहल रहे लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। आग में जैसे जाते हैं तुरंत उनको समाप्त हो जाए, 7 गुना पावर जानबूझकर उसका बढ़ाया गया था। सदरक मेशक अबेदनगो को उसी समय खत्म हो जाना चाहिए, एक ही पल में वो राख राख हो जाना चाहिए, लेकिन राजा क्या देख रहा है, एक तो हम 3 व्यक्ति को डाले हैं लेकिन 4 व्यक्ति दिखता है, और ऊपर से ये लोग तो टहल रहे हैं, आग में चल रहे, आराम से टहल रहे हैं। राजा को समझ नहीं आया, और राजा जब गौर से देखता कि ये 4था व्यक्ति कौन है, तो लिखा है, और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। और अंतिम लाइन में 25 पद का अंतिम लाइन में लिखा है, और 4थे पुरुष को जब वो गौर से देख रहा तो लिखा, 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया। वो 4था पुरुष कोई और नहीं लेकिन हम और आपका प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। यीशु मसीह सदरक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए उस आग में गया और उन तीनों को बचाया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ऐसे ही विश्वासियों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो प्राण देने तक विश्वासी बने रहेंगे। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो ने यह ठान लिया था कि मैं उपासना करूंगा तो मैं जीवित यीशु मसीह की करूंगा, उसके अलावा मैं किसी की उपासना करने वाला नहीं हूं, ना तो राजा के सोने के मूरत का और ना किसी प्रकार के देवता का, मैं तो जीवते परमेश्वर की उपासना करता हूं। सदरक मेशक अबेदनगो ने यह कहा, जिसके कारण से उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया, लेकिन जिसकी वो उपासना करता था वो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर उनकी रक्षा किया। हालेलुया। जब राजा सदरक मेशक अबेदनगो को आग के बीच में से निकलवाया, क्या हुआ मालूम है, जब उसको निकलवाया देखता एक भी बाल जला नहीं था। हालेलुया। शरीर का कोई भी हिस्सा जला नहीं था, वरन वो आग में से डबल एनॉइंटिंग के साथ बाहर निकले थे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया के अंदर में दुख आएगी, तकलीफें आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आज परमेश्वर प्राण देने तक विश्वासी लोगों को आज ढूंढ रहा है, जिस बात को कहते हैं और इस बात पर चलते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं प्राण देने तक विश्वासी बना रहूंगा, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या आप तैयार हैं,
कि आप तैयार हैं, कि आप कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मैं प्राण देने तक मैं विश्वासी बना रहना चाहता हूँ, मेरा जब तक शरीर में जान है प्यारे परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरी उपासना करना चाहता हूँ। क्या आप इस बात को आज कह सकते हैं? मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा। इसलिए अपने आप को सदरक मेशक अबेदगो के विश्वास के नाई बना ले, जो राजा के मूरत के सामने नहीं झुके, जो संसारिकता के अंदर में नहीं झुके, लेकिन संसार में दुख और तकलीफ होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की उपासना किया। आमेन, आमेन। हम कई बार हम सोचते हैं संसार में अगर हम प्रभु को दिन भर पुकारते रहेंगे मेरा जीवन कैसा चलेगा, अरे मेरे परिवार के लोग तो अगर परमेश्वर को पुकारेंगे तो बाहर निकाल देंगे, मेरे जमीन जायदाद से हमको बाहर कर देंगे, खदेड़ देंगे, ऐसा कई बार हम सोचते हैं और हम पुनः फिर हम वापस लौट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा में कभी भी आशीष नहीं आएगी। इस दुनिया में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है। बाइबल बताती तुम सहते सहते क्या हो जाओ, पक्के हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। और जो व्यक्ति मजबूत हो जाएगा उसका जीवन आनंदित हो जाएगा, उसका जीवन परमेश्वर का सामर्थ से, परमेश्वर के एनॉइंटिंग से, परमेश्वर का ब्लेसिंग से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु के लिए? क्या आज आप तैयार हैं प्रभु का सामर्थ को पाने के लिए? आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर आपको पुकारता है। परमेश्वर के पास वापस आ जाए, परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए आज जिन बातों को हमने सुना कि हम और आपको सच्चे मसीही बनना है, सच्चा मसीही पापियों की युक्ति पर नहीं चलता, उनके मार्ग पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। एक सच्चा मसीह परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। एक सच्चा मसीह उसके इच्छा के अनुसार चलता है। एक सच्चा मसीह प्राण देने तक विश्वासी बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम कहें प्रभु मुझको सच्चा मसीही बनना है, प्रभु मैं नामधारी मसीह नहीं बनना चाहता हूं। आज दुनिया में बहुत सारे नामधारी मसीह हैं जो सिर्फ नाम के लिए मसीह है, लेकिन उनका विश्वास, उनका कार्य, वो सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि वो विश्वासी नहीं है। इसलिए नामधारी मसीह ना बने, हालेलुया, एक सच्चा मसीह बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस खड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे। आज जो वचन को हमने सुना मेरे प्रिय भाई बहन, हमें प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है। आइए हम अपने स्थानों में हो सके संभव तो खड़े हो जाएं और इस घड़ी कहें प्रभु मुझे सच्चा मसीही बनना है मेरे खुदा, मुझे सच्चा मसीही बनना है मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मुझे सदरक मेशक अबेदनगो के नाई मेरे विश्वास को मजबूत कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय भाई बहन और थोड़ी देर प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए और प्रभु से कहे प्रभु मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला। हालेलुया, हालेलुया। आज जो वचन को हमने सुना है हालेलुया, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए इस घड़ी हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। खा बा 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 मा मा मंदिर रे बिशंदर अडबा। ओ री बा 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 मा मा मंदिर रे बिशंदर अडबा। री बा रडा बंदिर रे बिशंद करडबा। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ री बा बा मा 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 मंदिर रे बिशंद करडा बंदर अडबो शबला बला 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 बला। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी पिता परमेश्वर हम तुझको पुकारते हैं मेरे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमारे साथ इस घड़ी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, एक एक को छू ले इसी घड़ी, एक एक को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में और हर एक व्यक्ति को प्रभु एक सच्चा मसीह बनने में तू सहायता और मदद कर। होने दे प्रभु कि हम तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने
वाले बन जाए, ओ तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति बन जाए, दुष्टों की युक्ति पर हम नहीं चले, पापियों के मार्ग पर हम ना खड़ा हो प्रभु, और ना प्यारे परमेश्वर ठट्ठा करने वालों की मंडली में हम बैठने पाए, मेरे खुदा हमारी सहायता कर प्रभु, हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बन जाए। हालेलुया, हमें प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है प्रभु। पिता मुझे प्राण देने तक विश्वासी मैं बनना चाहता हूँ, मेरी सहायता और मदद कर। अरे एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर दे। इस संसार में दुख तकलीफ क्लेश आएगा मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन याद रखिए हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, लेकिन हमको विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना। परमेश्वर हम और आपको डबल एनॉइंटिंग के साथ इस्तेमाल करें इस दुनिया के अंदर। मेरी बाला 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 शंदला लबा ओ रिबा बा 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 मा 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 मंदिर डे बे शंदा खरड़ा बाला 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 बा ओ मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद करते राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता। इस घड़ी जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई इसी घड़ी यीशु के नाम में प्रभु तू छू ले, जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाए प्रभु। हर एक प्रकार का फीवर यीशु के नाम में जाती रहे, सर्दी खांसी जुकाम के नाम में जाती रहने पारी बाला 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 बा। ओ प्यारे परमेश्वर, एक एक को छूले, हर एक के दुख और तकलीफ को दूर कर, आर्थिक तंगी को दूर कर। ओ प्यारे परमेश्वर, या चाहे किसी प्रकार का कोई भी समस्या इन प्रियों के जीवन में क्यों ना हो प्रभु, इसी घड़ी अपने सामर्थ्य हाथ को तू बढ़ा प्रभु, और इसी घड़ी एक एक को छूले और छूकर यीशु के नाम में आजाद कर। हर एक शैतानी ताकत को मैं रौंदता हूं यीशु के नाम में, मैं नष्ट करता हूं यीशु के नाम में। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए, तेरा सामर्थ्य एक एक के जीवन में उतर जाए। मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। और इस घड़ी इन प्रियों को मैं यीशु के नाम में मैं ब्लेस कर रहा हूँ, यीशु के नाम में मैं आशीषित करता हूँ। मेरे खुदा पिता, इन प्रियों को आशीष दे, इन प्रियों के संग हो ले, इन प्रियों की अगुवाई कर, हमारे एक को पिता तू छू ले। मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने हमें ब्लेस किया, अपना आत्मा का काउंटिंग दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। आपके स्क्रीन पर जो सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे और बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए बीज बोए, परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया, आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं, प्रभु हर एक को आशीष देगा। सो आइए इस गीत के दौरान हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। हम गाएंगे एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाँ, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ। एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाँ, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ। सोना रूपा मोतिया नी जाबो बिना दिया बतिया, नीले बो सोना रूपा मोतिया
जाबो बिना दिया बतिया, मुइनी जाबो बिना दिया बिना बेरा हरे हार, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हार, एको दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हार, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हार। पीरीती जोड़ालो मोय संसार से, मोय हेराय गेलो अपन मसी से, पीरीती जोड़ालो मोय संसार से, मोय हेराय गेलो अपन मसी से, खोजते पूछते चली जाबो दया हरे हार, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हार, एको दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हार, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हार। भूल जाबो दुनिया कर माया के, छोड़ जाबो सुंदर माटी काया के, भूल जाबो दुनिया कर माया के, छोड़ जाबो सुंदर माटी काया के, हरी यारो दुनिया में जाबो दया हरे हार, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हार, एको दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हार, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हार। आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को बहुत तहत की आज की आराधना में आशीष दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर और भी हमारे एको आगे बढ़ाएगा। सो लगातार इस संगति में जुड़े रहें, परमेश्वर एको आशीष दे। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम हर एक व्यक्ति यहाँ पर पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़ पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक प्रिय भाई बहन जो इस आराधना में शामिल हुए, एक एक को बहुत तहत की आशीष दे, हर एक के परिवार में बहुत तहत की आशीष दे मेरे खुदा पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग वचन को सुने, गीत को गाए और प्रार्थना किए, हर एक के संग होले मेरे पिता, और जिन्होंने अपना मुट्ठी खोलकर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना, आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना मेरे खुदा, ताकि इसी प्रकार तेरे प्रेम तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आशीष दिया, चंगाई दिया, विश्वास में हमारे एक के जीवन को मजबूत किया। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट है, हम ध्यान से सुनेंगे। याद रखें जरूर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को उत्साहित करें संडे आराधना के लिए, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़ पाए। हालेलुया। अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक संडे को सुबह 9:30 बजे हमारे साथ संडे आराधना में शामिल होवे। हालेलुया। और वेडनेसडे के दिन में प्रत्येक बुधवार को 7:30 बजे गूगल मीट ऐप पर हमारी आराधना होती है। जरूर आप गूगल मीट ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप उस आराधना में जुड़ने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7903933793 इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जरूर मैं आपको उस आराधना का लिंक शेयर कर दूंगा और उसके बाद में आप उस गूगल मीट ऐप में ऑडियो एंड वीडियो के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे प्रिय लोग जुड़ते हैं और अपनी गवाही को उस आराधना में देते हैं। परमेश्वर बहुतों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। और प्रत्येक सैटरडे को सुबह 10:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक 2 घंटे की उपवास सहित आराधना हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है उसमें है। आप सैटरडे के दिन सुबह 10:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक फास्टिंग आराधना में ज्वाइन हो सकते हैं। हालेलुया। और आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। आमीन। और जरूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करें। आप अपना धन्यवादी दान दशवांश आप प्रभु की महिमा के लिए स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं। प्रभु हर आपके हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमीन। सो लगातार प्रभु में बढ़े। जरूर आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, हमारी टीम के लिए जरूर आप प्रार्थना करें ताकि हम हर एक को प्रभु में और आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। सो सबों को परमेश्वर बहुत तहत की आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू।